जाग उठा भारत के चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर। दुनिया भर में हो रही भारत की जय जयकार, क्योंकि भारत में कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे बड़े बड़े देश नहीं कर पाए हैं। चांद की अंधेरी रात बीत चुकी है और चांद पर सूरज निकल चुका है। अब लोगों की मन में सवाल उठने लगा है कि क्या चंद्रयान 3 जाग चुका है, क्योंकि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने 2 सितंबर के दिनिस के प्रज्ञान रोवर को और 4 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर को गहरी नींद में सुला दिया था। इसरो के वैज्ञानिकों ने आया था कि 22 सितंबर के दिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जागेगा और चांद पर अपने एक्सपेरिमेंट करेगा। लेकिन जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 22 सितंबर आ चुका है और लोगों के जहन में सवाल उठ रहा है कि क्या विक्रम लैंडर जाग चुका है और चंद्रयान 3 जागने के बाद चांद पर क्या करेगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को इस तरीके से पार्क किया था कि जैसे चांद पर सुबह हो और सूरज की किरण चांद की धरती पर पड़े तो प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के सोलर पैनल पर रोशनी पड़ सके, जिससे कि दोबारा चार्ज हो जाए और फिर से अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करें। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 4 सितंबर के दिन रात होना शुरू हो गई थी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चांद पर पृथ्वी के 14 दिन के बराबर 1 रात और 1 दिन होता है। चांद पर रात 14 दिनों तक होने के कारण चांद की धरती का तापमान काफी ज्यादा घट जाता है, यानी कि रात के समय चांद का तापमान लगभग -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और -250 डिग्री सेल्सियस तापमान के कड़ाके की ठंड में किसी भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट का काम कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया था। चांद की कड़कती ठंड से बचने के लिए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को काफी ज्यादा इंसुलेटर्स जैसे पदार्थ का इस्तेमाल करके बनाया गया था, जिससे कि चांद पर पड़ने वाली कड़ाके की ठंड से चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर ज्यादा असर ना पड़े और वह सुरक्षित बने रहे, ताकि दोबारा से जब चांद पर सुबह हो तो यह दोबारा से काम कर सके। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी को चार्ज होने में कम से कम 3 दिन का समय लगता है। आप सोच रहे होंगे कि 22 सितंबर के दिन चांद पर सूरज उगा है तो लगभग 25 सितंबर तक उसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी और उसके बाद ही यह अपनी गहरी नींद से जागेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको बता दें कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 19 सितंबर के दिन ही सूरज निकल चुका था और अब चांद पर सूरज को निकले करीब 3 दिन हो चुके हैं और अब तक चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी पूरे तरीके से चार्ज हो चुकी है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी चार्ज होने के बाद बारी आती है वैज्ञानिकों को विक्रम लैंडर तक रेडियो सिग्नल भेजने की। विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाला था, क्योंकि जब इसरो चंद्रयान 3 से संपर्क करता है तो सबसे पहले वह चांद के ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को सिग्नल भेजते हैं। उसके बाद ऑर्बिटर धरती से सिग्नल को रिसीव करके विक्रम लैंडर के पास भेजता है। ऐसे में विक्रम लैंडर को पहले बंद नहीं किया जा सकता था, इसलिए प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डालने के बाद विक्रम लैंडर के सारे आउटपुट सिग्नल को बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके रिसीवर को चालू रखा गया था, जिससे जब चांद पर सुबह हो और उसकी बैटरी पूरी तरीके से चार्ज हो जाए तो जब वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो सिग्नल भेजा जाए, उसके बाद धरती से भेजे गए रेडियो सिग्नल को रिसीव करके जाग जाए और उसके बाद प्रज्ञान रोवर को भी जगा दें। चंद्रयान 3 चांद पर ढेर सारे तत्वों की खोज तो कर ली थी, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, मैंगनीज, टाइटेनियम, क्लोरीन और आयन जैसे अन्य तत्व शामिल थे। प्रज्ञान रोवर ने चांद पर लीजर डिटेक्शन के द्वारा ऑक्सीजन की खोज तो कर ली थी, लेकिन हाइड्रोजन की खोज कर पाना बाकी था। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अगर चांद की धरती पर हाइड्रोजन की खोज हो जाती है तो चांद पर पानी पाए जाने की पुष्टि की जा सकती है। हमारे चंद्रयान 3 का प्रमुख मकसद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके पानी की खोज करना था। आज के दिन वैज्ञानिकों के द्वारा
विक्रम लैंडर के पास रेडियो सिग्नल को भेजा जाएगा, क्योंकि अब चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है और चांद पर सूरज को निकले लगभग 3 दिन हो चुके हैं। वैज्ञानिक विक्रम लैंडर को जगाने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि विक्रम लैंडर का टेम्परेचर भी सही सलामत हो जाए। जैसा कि हमने बताया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव का रात में तापमान -250 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, और अभी चांद पर सुबह हुए केवल 3 दिन हुआ है और अब 14 दिनों तक सूरज निकला रहेगा। इस बार प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर 5 सौ मीटर की दूरी तक जाकर चांद की अलग अलग जगह का डाटा इकट्ठा करके वैज्ञानिकों तक जानकारी भेजेगा। जब वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में डाला था, तो उसकी जगह को चेंज करके एक समतल जगह पर किया गया था, जिससे कि सूरज की रोशनी उनके सोलर पैनल पर पूरी तरीके से पड़ सके। विक्रम लैंडर में 3 सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे कि अगर सूरज की रोशनी का एंगल तिरछा भी रहता है, तो किसी भी एंगल से किसी ना किसी सोलर पैनल पर उसकी रोशनी पड़ती रहेगी और वह चार्ज होता रहेगा। लेकिन प्रज्ञान रोवर में केवल एक ही सोलर पैनल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे उसकी दिशा को सही रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। जब प्रज्ञान रोवर एक्सपेरिमेंट करता है, तो इसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि जिस एंगल से सूरज की रोशन नहीं आ रही हो, प्रज्ञान रोवर का सोलर पैनल उसी एंगल में सूरज की दिशा में रहे, जिससे कि लगातार उसकी बैटरी चार्ज होती रहे। जबकि विक्रम लैंडर में इसका ध्यान नहीं रखना होता है, क्योंकि विक्रम लैंडर को एक स्थान पर खड़े रहकर चांद की धरती का तापमान और प्लाज्मा रेडिएशन जैसे डेटा इकट्ठा करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब उनकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है, तो उन्हें अब जाग जाना चाहिए। लेकिन अभी तक वह चंद्रयान 3 क्यों नहीं जागा है? इसके लिए आपको बता दें कि आज के दिन चंद्रयान 3 को जगाने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा कमान दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी सिग्नल नहीं भेजा गया है, इसलिए अभी भी चंद्रयान 3 का विक्रम सो रहा है। भारत के सभी लोगों में डर का माहौल है कि चंद्रयान 3 आज के दिन जागेगा या फिर नहीं, क्योंकि जब तक वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रयान 3 से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है, तब तक हमें सही जानकारी मालूम नहीं चलेगी कि हमारे चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अभी भी सही सलामत बचा हुआ है या फिर चांद पर कड़ाके की ठंड में नष्ट हो चुका है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 22 सितंबर का दिन बीता जा रहा है और अभी तक चंद्रयान 3 के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। चंद्रयान 3 के दोबारा से जागने के लिए इस समय आपकी काफी ज्यादा दुआओं की जरूरत है, इसीलिए कमेंट बॉक्स में चंद्रयान 3 के जागने की दुआएं करते रहे। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें।